दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी आए दिन देखी जाती है, जिसमें आम लोगों को बहुत परेशानी होती है। साथ ही अब इसी से जुड़ी एक खबर सामने आई है, जहां पर एक वकील के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां उसे दो पुलिसकर्मियों द्वारा बुरी तरह मारा गया। ऐसे में अब इस मामले में पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। देखें वीडियो। मंगोलपुर थाने में एक वकील भाई के साथ मारपीट हुई है। अपना मंगोलपुरी अपना जो पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, वहां पे मैंने बीच बचाव करा इन भाइयों के लिए, और इन भाइयों के करते करते पुलिस वालों को मैंने कॉल करी 100 नंबर पे, और 100 नंबर पे मैंने कॉल करके ये हेल्प कराई है अपनी। और किसने करी है? पुलिस वाले ने? पुलिस वाले का नाम नहीं पता, बट रेड टी शर्ट है। अच्छा, वर्दी में नहीं था? नहीं था वर्दी में, नहीं था। लठ लेके आया है और लठ लेके मारा है उसने, और पीसीआर में बैठ के मुझे मारा है। मैंने वीडियो लाइव करने की कोशिश की, वीडियो लाइव करते करते भी उसने मेरा फोन खोस लिया। मैं स्मार्ट वॉच थी, स्मार्ट वॉच के थ्रू मैंने सबको कॉल करा है। अच्छा, अदरवाइज कोई उन्होंने मैं जरिया छोड़ा ही नहीं। वीडियो मेरा, फोन मेरा आज भी नहीं है, पगड़ी मेरे हाथ में है और थप्पड़ मुझे यहाँ पे मारा है। जो ये अपना वीडियो है, ये हालत है वकील भाइयों की, वकीलों के साथ ये हो रहा है, तो आम जनता के साथ क्या होगा? इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे वकील खुद अपनी आप बीती वीडियो में बता रहा है। इस बारे में और बताएं तो ये मामला बाहरी दिल्ली स्थित मंगोलपुरी इलाके का है, जहां शुक्रवार शाम को पुलिसकर्मियों द्वारा वकील से मारपीट का मामला सामने आया है। एडवोकेट ने पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाया है कि उनका फोन भी छीन लिया है और उसकी घड़ी भी तोड़ दी। एडवोकेट ने अपने साथ हुई मारपीट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसके बाद उन्होंने अपने व्हाट्सएप पर इसको वायरल किया था। इस वीडियो में एडवोकेट अपनी आप बीती सुनाते हैं और बताते हैं कि मंगोलपुरी के पास स्थित एक पेट्रोल पंप से पुलिस को उन्होंने 112 पर कॉल किया, जिसके बाद पुलिस वालों ने सिविल वर्दी में आने के बाद उनसे डंडे बरसाने लगे और उनसे मारपीट करने लगे। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने उन्हें पीसीआर में बिठाकर उनके साथ और मारपीट करी। वहीं एडवोकेट का वीडियो सामने आने के बाद विभाग ने दोनों पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करते हुए दोनों पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। एडवोकेट के साथ मारपीट करने वाले पुलिस कांस्टेबल का नाम सुमित और सनी बताया जा रहा है। बता दें कि बाहरी जिला डीसीपी हरेंद्र कुमार द्वारा बताया गया कि एसीपी मंगोलपुरी द्वारा मामले की इंक्वायरी की और पाया कि दोनों पुलिसकर्मी प्रोफेशनल तरीके से स्थिति पर नियंत्रित नहीं कर पाए और अनुशासन संबंधी कार्रवाई करते हुए दोनों को सस्पेंड करके थाने से हटाकर डिस्ट्रिक्ट लाइन में भेज दिया गया है। अब सवाल यही होता है कि अगर कोई वकील पुलिसकर्मियों द्वारा पुलिस की गुंडागर्दी में नहीं बचा जा रहा, तो आम लोग कैसे उन लोगों से बच पाएंगे। न्यूज रूम से मैं अभिषेक मसीह। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।